सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A, और एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है सो ग्राफिकली डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन में क्या था, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन था, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि नो सोल्यूशन। अब सबसे पहले यह समझना कि नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। नो सोल्यूशन 26 भी, 27, 28, 29 में भी हुए, मतलब ये चारों जो हमारे पास क्वेश्चन दिए ना, चारों क्वेश्चन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो नो सोल्यूशन का बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं पहले नो सोल्यूशन, फिर बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व। तो यहां पर सबसे पहले समझो कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 में क्या समझा था, इन्फिनिटी सोल्यूशन। मतलब क्या था कि हमारे पास एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही थी, तो वो बन रहे थे इन्फिनिटी सोल्यूशन। और उससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चन, उसमें क्या था, वन सोल्यूशन। मतलब हमारा कुछ ग्राफ ऐसा था और उस ग्राफ में हमारे पास जो फिगर बन रहा था कुछ ऐसा, मतलब एक सोल्यूशन ये बोलते हैं इन्फिनिटी सोल्यूशन। मतलब एक ऊपर एक लाइन जा रही है उसे इन्फिनिटी सोल्यूशन। अब यहां पर बात आ रही है नो सोल्यूशन, मतलब एक भी सोल्यूशन है। जब भी नो सोल्यूशन की क्वेश्चन बात करें तो समझ जाना जो हमारा ग्राफ बनेगा और उसमें जो लाइन होगी वो हमारी पैरेलल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये पैरेलल जा रही, बिल्कुल हमेशा पैरेलल जाएगी, कभी भी कहीं भी टच नहीं होगी। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर होगी, ये तो रहा एग्जांपल। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और सब फिर हमें समझ में आ जाएगा कैसे इसमें क्या करना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इक्वेशन हमें दिख रही x माइनस 2y, x माइनस यहां लिखा है 2y इक्वल टू 6 दिखा, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0, x इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो हमें यहां मिल जाएगा 0 माइनस 2y और यहां हो जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है। 0 का तो कोई वही नहीं, अब ये माइनस 2 है, y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6/2 और यहां हमें मिल जाएगा माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, यहां पर हमने जैसे x इक्वल टू 0 रखा था, वैसे ही यहां पर हम लोग y इक्वल टू 0 रख के देख लेंगे। अगर हम यहां पर y इक्वल टू हमने 0 रखा तो हमें मिलेगा x माइनस 2, y की जगह पर 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर 6 मिल जाएगा। अभी हमने x इक्वल टू 0 रख के देखा, y इक्वल टू हमने 0 रख के हमें यहां पर 0 रखा तो हमें 6 मिल गया। अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, मान लेते हैं हमने यहां पर पुट कर दिया गया, हमने यहां पर पुट कर दिया x की वैल्यू 1, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हमने y की वैल्यू 1 कर दी तो हमें मिल जाएगा, अगर हमने y की वैल्यू 2 कर दी या फिर x की वैल्यू 2 कर दी तो भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां पर रख के देखते हैं x की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखा, 5 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं, चलो x ले लिया हमने यहां पर 2, x इक्वल टू हमने यहां पर 2 ले लिया, सॉल्व हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 1 ले लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो यहां पर लिखा हमने इक्वेशन में 2 माइनस 2y और ये हो गया इक्वल टू 6। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 लिखा, 6 हमारा क्या है, प्लस का, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 6 हो गया। अब ये देखो ये हमारा माइनस 2y है, तो माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस 2y हो जाएगा। सॉल्व करो तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2y और ये 2 2 4, तो यहां पर आएगा माइनस 2 इक्वल टू हो गया हमारे पास y, तो ये हो गया हमारे पास y, ठीक है। अब देखो 3 से ज्यादा कभी भी मत निकालना, 2 से भी अगर काम हो जाता है तो 2 निकाल के अपना फिगर बना लेना, मगर 3 से ज्यादा मत निकालना, 3 इनफ है। x कर दिया यहां पर, y कर दिया। अब x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, तो हमें y क्या मिला था, ये सब यहां पर लिखेंगे। पहले हमने x 0 किया तो y हमें मिल गया माइनस 3, फिर हमने y 0 लिखा रखा तो हमें x मिल गया 6, फिर हमने x रखा 2 तो y मिल गया माइनस 2, क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कोई ना कोई वैल्यू रख के पुट करके देखते हैं, तो सबसे पहले x की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो हमने रख दिया x इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा 3 यहां पर 0, यहां हो जाएगा माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब 3 इंटू 0 मतलब क्या होता है, 0, ठीक है। अब यहां पर माइनस 6y इक्वल टू 0, अब देखो ये 6 हमारा क्या है, माइनस का है ना, देखो यहां पर लिखा माइनस 6y इक्वल टू 0, वाई के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहां पर होगा माइनस 0/6, इसका मतलब क्या आया, 0 आया, ठीक है। वाई भी 0, एक्स भी 0, ठीक, क्लियर नहीं बात। अब हमने एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दी तो हमें क्या मिलेगा, ओके अगर हमने y की वैल्यू 1 रख दी, y इक्वल टू हमने यहां पर 1 रख दिया, ठीक है, तो हमें यहां मिलेगा 3x
माइनस सिक्स और यहां पर मिल जाएगा वन इक्वल्स टू जीरो, यहां लिखा हमने थ्री एक्स। अब देखो सिक्स इंटू वन तो सिक्स है, माइनस लगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स इधर चला जाएगा तो ये प्लस का सिक्स होगा, थ्री टू जो सिक्स होता है, यहां लिखा एक्स इक्वल्स टू टू हो गया, ठीक है क्लियर हो गया। अब आगे देखो यहां पर वाई इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं, अब वाई इक्वल्स टू ओके वाई अगर हमने जीरो कर दिया तो भी हमको जीरो मिल जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। और हमने यहां पर अगर क्या करते हैं वाई इक्वल्स टू हमने टू कर दिया, ठीक है तो यहां लिखा थ्री एक्स, यहां मार दिया हमने माइनस सिक्स, यहां कर दिया टू और कर दिया यहां पर जीरो, सिक्स टू जो ट्वेल्व माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ट्वेल्व, यहां कर दिया थ्री एक्स और यहां कर दिया थ्री फोर, तो एक्स हमें फिर से मिल गया यहां पर फोर। अब इसकी हम टेबल बना लेंगे, तो हमें टेबल जो हम मिलेगी इसकी तो वो हमें मिलेगी ऐसे, यहां लिखा एक्स, यहां किया वाई, अब एक्स हमने जीरो रखा था तो वाई हमें मिला था जीरो, फिर हमने वाई रखा था वन तो हमको एक्स मिला था टू, फिर हमने वाई रखा था टू तो हमें एक्स मिल गया था फोर, ठीक ये हो गया। अब क्या करना है, हम इसे फिगर में बनाते हैं, मतलब इसे बनाएंगे हम लोग ग्राफ में, ग्राफ पेपर लेना फिर उसमें इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देना। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स जीरो है तो जीरो हमारा ये हो जाएगा, वाई हमारे पास माइनस थ्री है तो वाई माइनस थ्री हमारे यहां पर आएगा, इसका हम नेम दे देते हैं जीरो कॉमा माइनस थ्री, क्लियर। अब आगे देखो यहां पर एक्स सिक्स है हमारे पास, एक्स सिक्स ये हुआ और वाई हमारे पास जीरो मतलब ये यहां पर आ जाएगा सिक्स कॉमा जीरो, ठीक है। अब यहां पर फिर से देखो x हमारे पास 2 है, ये 2 है हमारा, y हमारे पास माइनस 2 है तो ये दोनों हमारे मिलेंगे इस पॉइंट में, ठीक है ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहां लिखा 2 कॉमा माइनस 2, समझ गया। अब यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने ऐसे लाइन खींच दी अपने, ये हो गया हमारी एक लाइन, समझ गया आ गया हो गया इतना। अब आगे देखो यहां पर x हमने 0 रखा, y हमने 0 रखा, ये पॉइंट मिलेगा, हटा दो इसको, हटा क्या दो मतलब अभी काम आएगा, यहां पर लिखा वन और टू, ठीक है यहां पर लिख देते हैं यार जीरो कॉमा जीरो, यहां पर एक्स हमारे पास वन है, ये वन है और हमारे पास वाई क्या है टू है, ये हमारा टू है। अब देखो ये हमारा वन है और ये हमारा टू है, ये मिलेगा इस पॉइंट में। अब देखो एक्स हमारे पास फोर है ये है और वाई हमारे पास टू है तो ये हमारे कहां पर मिल सकता है, ये हमारा मिल सकता है इस पॉइंट में, तो ये पॉइंट हमारा कुछ गड़बड़ है, हाँ सर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फोर कॉमा टू, ठीक है यहाँ पर आ जाओ वन और टू, वन हमारा एक्स है ये वन है और वाई हमारे पास क्या है टू है, ठीक है तो ये टू है, तो यहाँ पर हमारा फिगर क्या ऐसे बनेगा, नहीं 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 यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिख दिया हमने, पता है क्या यहाँ पर क्या है एक्स हमारा टू है, ठीक है तो ये टू हमारा ऊपर रहेगा यहाँ पर और y हमारे पास 1 है तो 1 यहां पर आएगा, बस इसी चीज से हमारा पूरा फिगर गड़बड़ हो रहा था। तो देखो फिगर में क्या था, x हमारा 2 है मतलब ये है 2, ठीक है इस पॉइंट को हटा दो और y हमारा 1 है तो ये पॉइंट हमारा बनेगा ये वाला, ठीक है अब देखो बिल्कुल परफेक्ट बन गया, यही गड़बड़ हो रहा था हमारा, तो इसको हमने क्या किया लाइन ज्वाइन कर दी। अब ध्यान से देखो क्या ये लाइन कभी भी कहीं भी मिलेगी, नहीं मिलेगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी भी कहीं भी टच नहीं होती, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है तो इसमें हमें बस इतना ही करके दिखाना है और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 को भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर है इक्वेशन ले लेते हैं 2x, यहां पर है प्लस 3y और यहां पर है इक्वल्स टू 4, क्लियर है इतना है। अब इसमें x की वैल्यू कुछ रखो y की वैल्यू कुछ रखो, अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दिया तो यहाँ पर y ये इधर चला जाएगा 4 बाई 3 आ जाएगा, काम नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 1 कर देंगे तो भी काम नहीं हो पाएगा, माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 कर दिया, ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आएगा माइनस 1 और यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया 3y इक्वल्स टू कर दिया 4, ठीक है। अब देखो 2 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 2, माइनस 2 यहां पर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 3y, 3 टू जा होता है 6, तो y इक्वल टू हमने कर दिया 2, क्लियर इतनी बात। अब आगे आ जाते हैं, अब x इक्वल टू हमने माइनस माइनस 1 रखा तो y हमें 2 मिल गया। अब हम लोग कुछ और पुट करके देखते हैं, अब मान लेते हैं हमने यहां पर रख दिया y की जगह पे 0, तो y इक्वल टू हमने 0 कर दिया तो हमें मिलेगा यहां पर 2x प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा 0 और इक्वल टू हो गया यहां पर 4,
तो यहाँ पे लिखा हमने 2x इक्वल्स टू 4, यहाँ पर 2 टू जो 4 और x इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 2। क्लियर हो गया इतनी बात। अब आगे आ जाते हैं। अब हमने y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू -1 रखी। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ दो ही से अपना फिगर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तीन नहीं लेते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर हमने कर दिया y। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट कर दी थी -1, y मिल गया था 2, y हमने 0 किया तो x मिल गया था 2, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसी तरह हम लोग दूसरी इक्वेशन लेंगे जो कि है हमारे पास 4x, यहाँ पर +6y और यहाँ पर कर दिया इक्वल्स टू 12। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू पहले यहाँ पर सोचनी है क्या रखे। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी हमें y मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू यहाँ पर 0 कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस यहाँ होगा 6y इक्वल्स टू हमने कर दिया 12। अब देखो यहाँ पर है क्या, 6y इक्वल्स टू हमने कर दिया 12, 6 टू जा हो गया 12, तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया 2। अब y इक्वल्स टू हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4x, यहाँ कर दिया +6, यहाँ कर दिया 0 इक्वल्स टू कर दिया 12, ठीक है। अब देखो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, 4 3 जा 12, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। क्लियर हो गया, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू हमने ले लिया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बना देंगे, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा हमने y, यहाँ पर x की वैल्यू हमने लिखी क्या 2, नहीं x की वैल्यू हमने लिख दी 0, y मिल गया हमें 2, फिर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x हमें मिल गया था 3। हो गया, अब हम क्या करते हैं कि फिगर बनाते हैं, मतलब फिगर बनाते नहीं है, अपना ग्राफ में x और y एक्सिस खींच दिया हमने, ठीक, कुछ इस तरह से ग्राफ लेना, ग्राफ पेपर में ही सारे डायग्राम बनाना भैया। यहाँ पर x -1 है हमारे पास, -1 हमारा आएगा इस पॉइंट में यहाँ पर, y हमारे पास 2 है, ये आएगा यहाँ पर, ये दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर जो x है वो हमारे पास 2 है, ये हो गया 2, y हमारे पास 0 है, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है 2, 0, यहाँ पर हम लिख देते हैं के -1, 2। क्लियर है। अब एक और आ गया यहाँ पर, चलो इससे पहले लाइन खींच देते हैं, ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है, इस फिगर की लाइन। अब हम ये आ जाओ यहाँ पर है क्या, x 0, यहाँ पर हमने 0 कर दिया, और यहाँ पर y हमारे पास क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने 0, 2। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें x 3 दिख रहा है, मतलब ये है हमारा, y हमारे पास 0, तो हमें क्या मिल गया, फिर ये दो लाइन मिल गई। अब देखना ये दोनों लाइन आपस में फिर से पैरेलल है, ठीक है, ये देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, इसका नाम लिख दिया हमने 3, 0 है, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन कभी भी कहीं भी मिलती नहीं, टच नहीं करती, इसलिए इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर पहली इक्वेशन है यहां पर 2x, ठीक है, यहां कर दिया +y इक्वल्स टू कर दिया हमने यहां पर 6। क्लियर इतनी बात। अब हमें करना क्या है, यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पुट कर दिया y इक्वल्स टू 0, यही इजी लग रहा था, तो यहां लिखा हमने 2x, यहां कर दिया +0 इक्वल्स टू 6, ठीक है, यहां बचेगा 2x इक्वल्स टू 6, 2, 3 जा होता है 6, तो x हमें यहां पर मिल जाएगा 3। क्लियर है। अब हमने y इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, तो यहां मिलेगा 2, x की जगह पे 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू हमें यहां पर 6 मिल गया, तो y इक्वल्स टू यहां पर 6 हो गया, ठीक है, 2 निकला है। आप चाहो तो 2 से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या 3 से कर लो, ठीक है, 4 से कर लो, हम 2 से ही करके देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की, जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है 6x, ठीक, यहां पर प्लस यहां पर 3y और इक्वल्स टू है यहां पर हमारे पास 20। क्लियर इतनी बात। अब इसको देखो, अब हम लोग यहां पर x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो अगर हमने यहां पर x की वैल्यू 0 रख दी तो यहां पर हमें मिलेगा 6, यहां पर 0 और यहां पर प्लस 3y इक्वल्स टू 20। अब यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 20। अब देखो 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/3। अब आप कहोगे कि अभी बताया था कि हमें ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है जिसमें हमारा डिवाइड में आए, मगर इसमें तो आ रहा है, इसमें अगर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो भी इसमें डिवाइड में आएगा ही, कोई भी नंबर रख लो डिवाइड में ही आएगा, ठीक है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है।
y इक्वल टू हम लोग जीरो लेके रखेंगे तो भी हमारा ये डिवाइड में आएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा 6x, यहाँ कर दिया प्लस 3, y की जगह पे जीरो कर दिया, इक्वल टू हमने कर दिया 20, ठीक है। यहाँ लिखा 6x इक्वल टू हमने कर दिया 20, और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 20/6, ठीक है। और इसको ऐसे कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा 10/3। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। इसकी हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। मगर टेबल को बनाने से पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 3 6 18, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 2, ठीक है। 3 6 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9 1 और 3 3 9 प्लस 1 10, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम लोग टेबल बनाते हैं। पहले x यहाँ पे लिखा, y यहाँ पे लिखा। हमने क्या किया था, x की वैल्यू यहाँ पर हमने ली थी 0, तो y मिल गया हमें 6 2/3। ऐसे करने से बहुत ईजी रह जाएगा हमें सॉल्व करना। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3, मतलब कि ओके, जब हमने y 0 लिया तो हमें यहाँ पर 3 मिल गया 3, और ये हो जाएगा 1/3। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी जो हम लोग बनाएंगे तो बहुत सिंपल बन जाएगी। x यहाँ लिया, y लिया, और यहाँ पर ले लिया हमने 0, जब हमने लिया था y 0 तो हमें x मिला 3, जब x 0 लिया तो y मिल गया 6, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं इसके फिगर में, तो बहुत ध्यान से इसका फिगर बनाना और ग्राफ पेपर जरूर लेना, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, मगर आप ग्राफ पेपर में जब करोगे ना तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है 0 3, मतलब x हमारे पास 3 है, y हमारा 0 है, तो 3 हमारा यहाँ पर आएगा इस पॉइंट में, तो हम लोग इसका नाम ले लेते हैं, यहाँ लिख दिया 3, 0। क्लियर है। अब दूसरा हमारे पास है x 0 है, तो y हमारे पास क्या आया था, 6 आया था, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, 6। क्लियर है। अब लाइन इसकी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई हमारी इसकी लाइन। अब दूसरा देख लो, दूसरे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर x हमारे पास 0 है, तो x हमारा 0 यहाँ पर आएगा, y हमारे पास है 6 2/3। 2/3 हमारा क्या आएगा, 6 से थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 6 और 7 के बीच में आएगा। ग्राफ पेपर नहीं है मगर आप समझना, 1 2 और 2/3 है, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y 0 है, और हमारे पास क्या है, x यहाँ पर 3 और 1/3 है, तो 3 1/3 हमारा कुछ यहां पर आ जाएगा, इसके आगे हल्का सा यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, ये वाली लाइन। अब देखो ये दोनों लाइन हमारी क्या है, आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या रहा, इसका भी कोई भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा इसका फिगर है, इसका नाम दे देते हैं, कितना है ये 2 सॉरी ये था हमारा 3 1/3, और ये हो गया 0, ठीक है। और ये वाला जो था हमारे पास वो था 0, 6 2/3, ठीक। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, समझ में आ गया। अब 28 में बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करना था, बस यहाँ पर थोड़ा होल में आ रहा था ना, इसको समझना था। तो ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। अब हम लोग आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द सेम ग्राफ पेपर 2x + y = 2 एंड दिस, मतलब ये दो हमें इक्वेशन दे दी गई, इन दो इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है, और साथ में हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्मड बाय दिस लाइन। अब देखो लाइन से हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, एक जो ग्राफ होगा ना उसमें एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, उस ट्रेपेजियम के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है, वर्टिसेस बताना है, ठीक है। साथ में हमें उसकी एरिया भी बतानी है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म, मतलब जो हमारा ट्रेपेजियम होगा ना उसकी कोऑर्डिनेट्स भी बताना है, और साथ में हमें क्या बताना है, इसकी एरिया। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग ट्रायंगल वाला कर रहे थे उसी तरह ये ट्रेपेजियम यहाँ पर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, सबसे पहली इक्वेशन ली हमने 2x + y, ओके, इक्वल्स टू हमने कर दिया 2। अब इसमें हमने क्या किया कि x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, ठीक है, तो हमें यहाँ मिला 2, यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ पर प्लस y इक्वल्स टू 2, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, 2 मिल गई, क्लियर है। अब x इक्वल्स टू जब हमने 0 पुट किया तो हमें y मिल गया 2, अब हम लोग y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2x + y = 2, यहाँ मिल जाएगा हमें y की जगह पे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 2, तो 2 1 2, x हमें यहाँ पर मिल गया 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर x y लिखा, ठीक है,
और यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी जो कि 0 ली थी, और y हमें 2 मिला, और फिर हमने y 0 लिया तो x हमें 1, ओके y 0 लिया तो x हमें 1 मिला था, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ पर लिखा है प्लस वाई, इक्वल टू हमने कर दिया 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फिर से रखनी है, तो क्या करो, फिर से यही कर दो, x की वैल्यू 0 ले लो, x इक्वल टू 0 कर दिया, और यहाँ लिखा 2, x की जगह पे 0 कर दिया, प्लस y कर दिया, इक्वल टू हमने 6 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 × 0 मतलब 0, y इक्वल टू हमें 6 मिल गया। अब इसी तरह हम लोग x की वैल्यू 0 लेंगे, x इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा 2, x की जगह पे हमने ले लिया, x की जगह पे x ही रखा हमने, और y कर दिया हमने 0 इक्वल टू 6, तो हम मिला x इक्वल टू 6/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। इसकी टेबल बना लो, ये हो गया x, ये हो गया y। अब x की जगह पे हमने क्या रखा था, 0 रखा तो हमें मिला 6, और y की जगह पे हमने 0 रखा तो x मिल गया 3, क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इसमें फिगर में आना है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर शुरू हो रही है, असली खेल तो यहाँ पर खेला जाएगा। अब यहाँ पर जो फिगर है हमारे पास वो कैसे बनेगा उसको समझो, x हमारा 0 यहाँ पर, y हमारे पास 2 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा हमारे पास x1 है, x1 हमारा ये है, y हमारा 0 है, मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, लाइन हमने यहाँ पर ऐसे खींच दी, ठीक है। ये पॉइंट था हमारे पास क्या, 1, 0, और ये था हमारे पास 0, 2, क्लियर। अब देखो यहाँ पर दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर क्या 0 और 6 है, एक्स हमारे पास 0 है, वाई हमारा क्या है 6 है, ठीक है, तो 6 हमारा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर है हमारे पास वाई 0 है इस बार, और एक्स हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है, इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास ऐसे, तो यहाँ पर हमने ऐसे लाइन खींच दी, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रेपेजियम दिखेगा, इतना अंदर का, ये देखो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना। अब देखो इसमें क्या था हमारे पास, ये था हमारे 3, 0, और ये था हमारे पास 6, 0, 6, ठीक, ये हो गया। अब इसकी नेम दे देते हैं, ये हो गया हमारा ए, इसको बोल दिया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ये हमारा बन गया ट्रेपेजियम। ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम का क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इस क्वेश्चन ने वर्टिसेस पूछे थे, तो सिंपल है यहाँ पर लिख दो, इसमें ही लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, ए हमारे पास आ सकता है क्या था 1, 0, 2 में लिया है 0, 2, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 1, 0, और सी हमारे पास है 3, 0, और ए बी सी डी हमारे पास है 0, 6, ठीक है, ये है हमारे पास, क्लियर इतनी बात। अब एक चीज और हमें इसमें करनी है फाइंड, वो क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, मतलब इतने पार्ट की एरिया निकालने, इतने पार्ट की एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, अगर हम लोग बात करें इसकी यहां से लेकर यहां तक की, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में अगर ये वाला ट्रायंगल हम माइनस कर दें, इस ट्रायंगल में हम ये वाला ट्रायंगल अगर माइनस कर दें तो हमें इसकी एरिया मिल जाएगी, और ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। फिर से देखो, ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, अब इस ट्रायंगल में हमने ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, हमें यही तो चाहिए, तो सिंपल है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। तो हमने यहां लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्या लिखा हमने, ट्रेपेजियम इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, ये बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस करना है, तो हमने यहां पर लिख दिया एरिया ऑफ यहां पर ले लिया ट्रायंगल। अब बड़ा वाला जो ट्रायंगल था वो हमारा क्या था, ये इसका नाम हमने रख दिया, ये हमारा हो गया डी पॉइंट, ठीक है, और ये हमने रख दिया सी, ए बी सी डी ई कर दिया, ठीक है, ये डी ई और ये हो गया हमारा सी, डी ई सी कर दिया, ये हो गया डी, ये हो गया ई सी, माइनस करेंगे एरिया, ए आर ई ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये ए वाला, ये ए ई और इसका नाम दे दो एफ, ठीक है, तो यहां कर दिया ए ई, इसका नाम बी है ना, तो बी कर दे, ए ई बी कर दिया, ए ई, ये हो गया बी, क्लियर इतनी बात। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है बेस इंटू होता है एल्टीट्यूड,
बेस इनटू होता है एल्टीट्यूड, और यहां पर माइनस वन बाई टू यहां पर भी होगा बेस इनटू हो जाएगा एल्टीट्यूड। अब देखो इसका बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका बेस क्या है, अब बेस देखना ध्यान से। तो बेस दिख रहा हमें वन, ठीक, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, बेस हमें क्या मिल गया, सिक्स मिल गया। यहां लिखा हमने वन बाई टू इंटू कर दिया सिक्स। अब यहां पर एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, तो इसका एल्टीट्यूड हमें दिख रहा है वन, टू और ये थ्री, तो यहां पर एल्टीट्यूड हमें थ्री मिल गया। ठीक है, इसे करो थ्री और यहां पर आ जाएगा टू, थ्री या सिक्स, यहां पर माइनस वन बाई टू। अब छोटे वाले का देखो इसका बेस क्या दिख रहा है भैया, इसका बेस हमें दिख रहा है यहां पर टू, क्या दिख रहा है टू, ये हो गया वन और ये टू, ये बेस हो गया। और इसका एल्टीट्यूड कितना दिख रहा है हमें, सिर्फ वन दिख रहा है, तो यहां पर लिखा है टू जो कि बेस है और एल्टीट्यूड है हमारे पास वन, ये कैंसिल। यहां पर थ्री थ्री जन नाइन माइनस यहां पर आ जाएगा वन, इसे सॉल्व करोगे तो एट, तो एट स्क्वायर ये हो जाएगा यूनिट, यूनिट्स, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और इस तरह के सारे सॉल्यूशन चाहिए इस आरएस अग्रवाल के और एनसीईआरटी के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह के सारे सॉल्यूशन मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3B। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, जय हिंद।